हेलो एवरीवन, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि सवाल पे सवाल कैसे करें। क्या बताएंगे अमन सर? सवाल पे सवाल कैसे करें? एग्जैक्टली वर्ड राइट। आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में, स्पेशली इंग्लिश में, कि हम सवाल किससे और कब हम क्या करें। कभी कभी क्या होता है, जब डे टू डे लाइफ में हम इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ईजी हो जाता है। कब? जब हमको जवाब देना होता है। लेकिन जब हमको सवाल करना होता है, व्हेन इट कम्स टू आस्किंग क्वेश्चन, हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ ऊपर खड़े कर देते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है और चौचों की हवा क्या होती है, टाइट हो जाती है। क्योंकि हिंदी में जवाब देना बहुत ईजी होता है, लेकिन क्वेश्चन जब करने की बात आती है तो वो मन में ही रह जाता है। क्वेश्चन वो हिंदी में क्वेश्चन आता है, बट इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन करें वो समझ में नहीं आता है, वो मन में ही हमारे दबा रहता है। तो आज हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे और बताएंगे और इंग्लिश आपके जबान पे लाएंगे और आपको सिखाएंगे कि इंग्लिश में हम क्वेश्चन कैसे करें। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम और क्या सिखाने वाले हैं अमन सर? सर, कहीं पर भी और किसी भी जगह हम इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन करें। एग्जैक्टली, यू आर राइट सर। एक्सक्यूज मी, हां टेक्निक क्या है इंग्लिश में क्वेश्चन करने? टेक्निक कुछ भी नहीं है। एक्चुअली एक सिंपल ट्रिक मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं कि देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग में जितने भी रूल्स पढ़ाए जाते हैं, जो भी चीजें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, कोई भी रूल हो, चाहे वो विल हो, डू डज हो, हैज हैव हो, इज हैव आर हो, विल बी हो, वुड बी हो, कंडीशनल सेंटेंसेस हो, कुछ भी हो, उसको छह तरीके से लिखा पढ़ा बोला जाता है। चलो फिर से रिपीट करता हूँ, कितने तरीके से लिखा पढ़ा बोला जाता है? सिक्स तरीके से, छह तरीके से, ऑलराइट। जो भी बोलो यार, सिक्स बोलो चाहे छह बोलो, बात एक ही है। आज हम लोग का जो वीडियो वो थोड़ा हिंदी में जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग रिकमेंड कर रहे थे सर आपकी आधे से ज्यादा वीडियो आधी इंग्लिश में आती है, वो ऊपर से ही डर जाती है। तो हम लोग कंप्लीटली हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये सारी चीजें हम कैसे, कब और क्या करें। तो अब इसलिए मैं इसके पहले बता रहा था, लाइक फ्यू मिनट्स एगो, आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग कि कोई भी रूल आप इंग्लिश स्पीकिंग में पढ़ते हो, जितने भी रूल्स होते हैं, उनको कितने तरीके से लिखा बोला पढ़ा जाता है? छह तरीके से। देखिए, जब भी आपको जवाब देना होगा, पहला दूसरा तरीका, जब भी आपको हाँ या ना में जवाब चाहिए, अगर यस नो टाइप में अगर आपको जवाब चाहिए, तो आपको तीसरा चौथा स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड में अगर क्वेश्चन करना है कि कब, क्यों, कहां, कैसे, किस लिए, किसके साथ, कितना, तो उसके लिए आपको पांचवा और छठवां स्ट्रक्चर आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो लेक्चर में बहुत सारा तो मैं लेके नहीं आऊंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स लेके आया हूं जिसके थ्रू आपके कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं और ढेर सारे एग्जांपल देने वाला हूं। तो आज आपको सवाल करना इंग्लिश में आ जाएगा कि नहीं अमन सर? यस सर, एग्जैक्टली। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन वर्ड क्या है सर? हमारा पहला क्वेश्चन ये वर्ड है हाउ मच। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि हम इसका यूज कैसे करें और कब करें, और हमें बताने के साथ सर एग्जांपल भी सर बताएं कि सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ऑब्वियसली एक सीक्रेट की बात बताऊँ, मुझे भी बहुत पहले कंफ्यूजन था लेकिन वो कंफ्यूजन मेरी दूर हो गई कि क्या हाउ मेनी और हाउ मच। आज का हमारा पहला क्वेश्चन वर्ड क्या है कि हाउ मेनी हाउ मच मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या करना है। पहली बात, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, कितना होता है, इधर उधर मत जाओ, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। हाउ मेनी हो चाहे हाउ मच हो, इन दोनों मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, क्या, कितना। अब बात ये आती है कि हाउ मेनी कब यूज करें, हाउ मच यूज कब करें। पहली बात तो हाउ मेनी हम उसके साथ यूज करते हैं जो काउंटेबल हो, काउंटेबल मतलब गिनने लायक हो, जैसे टेबल, चेयर, फोन, बॉटल, ढेर सारी चीज जिसे आप गिन सकते हो, अगर उससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो आप किससे करोगे, हाउ मेनी से। लेकिन जो चीज अनकाउंटेबल है, जिसे ना गिना जा सके, अगर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, हाउ मच। अनकाउंटेबल सर, जिसे ना गिना जा सके, वो चीज क्या है सर? वो चीज है मिल्क है, हेयर है, राइस है, लव है, ये सारी चीजें, पानी है, उसको भी नहीं गिना सकता है, ये सारी चीजें नहीं गिना सकता है। तो अगर इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन करना है तो हम हाउ मेनी यूज करेंगे कि हाउ मच यूज करेंगे। अब तक तो आप सीख ही गए होंगे क्या यूज करना है, हाउ मच। एग्जैक्टली, जिसे गिना जा सके अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो हम क्या यूज करेंगे, हाउ मेनी। जिसे ना गिना जा सके अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो क्या यूज करेंगे, हाउ मच। एग्जैक्टली, अब चलिए आते हैं एग्जांपल से सर। हाउ मेनी बनाना डू यू ईट, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आप कितना बनाना खाते हो। ओके, हाउ मेनी चपाती डू यू ईट, आई ईट, इसका मतलब सर बताएं तो आप कितनी चपाती, कितनी रोटियां खाते हो। ओके, आप भी बता दो फिर, आप कितनी रोटी खाते हो? आई ईट 4 chapatis in a day. ओह माय गॉड, लग नहीं रहा है। आई ईट ऑब्वियसली यू नो 3 chapatis and 4 chapatis. ओके, और कोई क्वेश्चन देते हैं, और कुछ माइंड में आप चल रहा है, और कुछ माइंड में? ओके, हाउ मेनी पेन डू यू बाय, इसका मतलब सर? इसका मतलब आप कितनी पेन खरीदते हो। हाउ मेनी चॉकलेट विल यू ब्रिंग, आप कितनी चॉकलेट लाओगे। एक चीज और मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दे रहा हूँ, लेकिन हाउ मेनी हाउ मच में, कि आप जिस भी चीज के बारे में पूछ रहे हो, मान लीजिए चॉकलेट के बारे में पूछ रहे हो, पेन के बारे में पूछ रहे हो, रोटी के बारे में पूछ रहे हो, किसी भी चीज के बारे में अगर आप पूछ रहे हो, तुरंत हाउ मेनी हाउ मच के साथ उस चीज को बोल दो, उसके बाद आप आगे बढ़ना। फिर से मैं रिपीट करता हूं, हाउ मेनी हाउ मच में क्या होता है, आप जिस भी चीज के बारे में बात करो, पेन के बारे में पूछो, चेयर के बारे में पूछो, चॉकलेट के बारे में पूछो, खाना के बारे में पूछो, दूध के बारे में पूछो, पानी के बारे में पूछो, किसी भी चीज के बारे में अगर आप पूछ रहे हो, तो आप हाउ मेनी हाउ मच के साथ ही उसको पहले बोल दोगे। जैसे आप कितना केला खाते हो, तो इन्होंने क्या बोला, सॉरी आपने बोला, मैंने बोला कि हाउ मेनी बनाना। कई लोग क्या कहते हैं कि हाउ मेनी डू यू ईट बनाना, ये गलत है। आपको ऐसे बोलना है कि हाउ मेनी बनाना डू यू ईट। फॉर एग्जांपल, हमारा हाउ मेनी से रिलेटेड हो सकता है कि हाउ मेनी चॉकलेट डू आई हैव टू ब्रिंग फॉर यू,
इसका मतलब सर मुझे आपके लिए कितना चॉकलेट लाना है। ओके, हाउ मेनी पेन डू आई हैव टू ब्रिंग फॉर यू। इसका मतलब सर हमें मुझे आपके लिए कितनी पेन लानी है। ओके, व्हेन यू वर इन क्लास 10th हाउ मेनी चपाती डिड यू हैव टू ईट। जब आप क्लास 10th में थे तो आपको कितनी चपाती खानी पड़ती थी। एग्जैक्टली, चलिए अब हम बात करते हैं हाउ मच पे। हाउ मच मतलब भी क्या होता है, कितना, लेकिन उसको कब यूज करते हैं, जिसे ना गिना जा सके, जिसे ना गिना सके। मैंने एग्जांपल भी दिया था, राइस, पल्स, वाटर, लव, हेयर, जिसे ना गिना सके उसके लिए क्या कहते हैं, हाउ मच। अच्छा चलिए और एग्जांपल्स पे आते हैं। एग्जैक्टली, ओके, सो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली। इसका मतलब है सर कि आप एक दिन में कितना पानी पीते हो। ओके, आप भी बता दो आप एक दिन में कितना पानी पीते हो। आई ड्रिंक at least 4 liter water in a day. Oh my god, do you count daily? Yeah, I don't, but I can. Okay, we don't have like, you know, yeah, any equipment to just measure like how much water do we drink. Obviously, chaliye aate hain next time pe. Oh, yesterday I saw your friend, okay, and he was just you know, tipsing, he was just moving, like it seems like he has drunk a lot. So could you please just tell me like how much alcohol did he drink yesterday? Iska matlab kya hota hai, वो कल कितना अल्कोहल मींस शराब पिया था। एग्जैक्टली, ओके, हाउ मच मिल्क विल यू ड्रिंक। हाउ मच इसका मतलब आप कितना अधिक वो दूध पियोगे। ओके, आप कितना दूध पियो। एग्जैक्टली, अब बात करते हैं पैसे पे आते हैं। हाउ मच मनी डू यू वांट टू गिव मी। पैसे के लिए पैसा भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल। देखो मैं बता दे रहा हूँ, मनी जैसे देखो बाप की गिनती नहीं होती है, गिनती होती है औलाद की। ठीक है, बाप की गिनती कोई करता है क्या, मेरे चार पापा है, दो पापा है, तीन पापा है, नहीं, उनकी गिनती नहीं होती। तो हमारा मनी है, मनी क्या, हमारा धन है, और धन की भी कोई गिनती नहीं होती। उसके जो मतलब बच्चे जो औलाद है, रुपया पैसा, उनकी गिनती होती है, 10 रुपया 100 रुपया, लेकिन मनी जो मनी है उसकी गिनती नहीं होती है। तो कमॉन, हाउ मच मनी डू यू हैव टू पे। आपको कितना पैसा पे करना है।